Dear children, let us begin a new day with asking the blessings from the Almighty. Now today we are starting a new chapter, chapter 9, data handling. And please take page number 184. Page number 184, data handling is very simple chapter, very easy, very interesting chapter. Data handling, how to handle data. It's not a mobile data. Data, when you आप डेटा का बात सुनेगा तो आप सोच लेगा ये मोबाइल डेटा का बात कर रहे हैं. ये मोबाइल डेटा नहीं है, इंटरनेट डेटा का बात नहीं कर रहा. ये मैथमेटिक्स It's an information. What is data? It's a collection of information. ठीक है, आप जो क्लास में आपको 8-10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर दिया है, टीचर ने बुलाया है, तो इसको टीचर ने बोला आप बाकी सभी स्कूल में बाकी सब क्लास में जाके सभी क्लास में जाने का. अभी आपका सिक्स स्टैंडर्ड में से 5 स्टूडेंट्स को आपका क्लास टीचर बुलाया, तो फिर बाकी सब क्लास में जाके उसको पूछ के आने का आज टिफिन कौन कौन लेकर नहीं आया. ठीक है, तो आप 5 स्टूडेंट है तो आप 10 क्लासेस है तो आप एक एक स्टूडेंट को दो दो क्लास में जाने का है, तो दो दो क्लास में जाके पूछ लेगा टिफिन बॉक्स कौन कौन नहीं लाया है. ठीक है, अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में से 2 स्टूडेंट नहीं लाया, सेकंड स्टैंडर्ड में से 3 स्टूडेंट टिफिन बॉक्स नहीं लाया, तो आप सब दौड़ के सब क्लास में जाएगा, वापस क्लास टीचर के पास गया. ये जो इंफॉर्मेशन आपको मिला है ना, तो ये आप क्लास टीचर को सबमिट करेगा. यही आपका डेटा है. आपको एक प्रोजेक्ट दिया है, एक टास्क दिया है, एक काम दिया, छोटा सा काम दिया है, तो क्लास टीचर ने बोला अब सभी क्लास में जाके पूछ लो आज टिफिन बॉक्स कौन कौन लेकर नहीं आए. ठीक है, हो सकता है डायरेक्ट चैप्टर में डायरेक्ट क्लास में 3-4 लड़का तो टिफिन बॉक्स नहीं लेकर नहीं आता है, तो कभी कभी रुपीस लेकर आता है ऐसे कुछ पैकेट चीज लेने के लिए. एक्चुअली ये स्कूल में मना तो है ना, पैकेट चीज खाने का मना ही है, लेकिन हो सकता है. सो एक टास्क, यू हैव गिवन ए टास्क, एक काम दिया छोटा सा क्लास टीचर ने, तो आपने सब 5 स्टूडेंट 10 क्लास में जा रहे हैं, तो डायरेक्ट स्टूडेंट 2-2 क्लास में दौड़ के गया, तो यहां से कलेक्शन लेकर आया, फर्स्ट स्टैंडर्ड में से 2, सेकंड स्टैंडर्ड में 3, फोर्थ स्टैंडर्ड में 0, कोई नहीं, फोर्थ स्टैंडर्ड में सब लेकर आया तो 0, कोई लेकर नहीं आएगा. आपको पूछा था कौन लेकर नहीं आया, तो फोर्थ स्टैंडर्ड में सब लेकर आया तो आपको उधर 0 आएगा, कोई लेकर नहीं आया, ऐसे कोई स्टूडेंट है नहीं. तो ये सब जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं, तो इसको आप क्या बोल रहे हैं, डेटा. सो ये क्या है, तो ये कैसे रिकॉर्डिंग करने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, इसमें आपको पढ़ने का चीज यही है. पेज नंबर 186 में एक हेडिंग है, पेज नंबर 9.3 सेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ये कैसे ऑर्गेनाइज करें, एक टेबल में आपको ऑर्गेनाइज करने का है. तो एक एग्जाम्पल सर बता रहा हूँ, पेज नंबर 187 में एग्जाम्पल 2, पेज नंबर 187 में एक्टा इज आस्क्ड टू कलेक्ट डेटा ऑफ साइज ऑफ 2 स्टूडेंट्स इन क्लास 6, हियर फाइंडिंग्स आर रिकॉर्डेड इन द मैनर इन शोन बिलो. देखो एकता एक लड़की का नाम है, उसको ऐसे जवाब दिया है, कलेक्ट डेटा फॉर साइज ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6. अब 6 स्टैंडर्ड में जो लड़की पढ़ता है उनको टीचर ने बोला है, तो आज उनका जो क्लास में जो जितना स्टूडेंट है उनका शूज साइज कौन सा साइज है, 5 नंबर का है, 4 नंबर का है, 7 नंबर का है, 3 नंबर का है ना, नंबर शूज का जो साइज होता है ना, हमारे हम जो शूज पहनते हैं इनका एक साइज होता है, जब धीरे धीरे बड़ा हो जाते हैं साइज बढ़ जाता है. आपके लिए अभी 4 और 5 6 काम आएगा 6 स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए, लेकिन बड़े के लिए 7 और 8 है ना, बड़ा होगा तो फिर 7 और 8. सो ये दिया, तो ये देखिए, तो टोटल क्लास में ब्रेक स्टूडेंट का ब्रेक बॉक्स में आपको दिख रहा है 5 4 7 5 6 7 6 5 6, ये सब जो शूज इनका जो नंबर दिया हुआ है. तो एक्टर को ये काम दिया है तो आपको उसको ये कलेक्ट करने का, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 32 स्टूडेंट्स का ऐसे लेकर आएगा, तो ये बहुत मुश्किल है. इसको इसलिए हम इसको कैसे अरेंज करेंगे,
तो दैट इज स्टूडेंट्स का, दैट इज स्टूडेंट का। देखो इधर किसी का 5 है, किसी का 4 है, तो ये देखा ना आप टेस्ट 1981 में पढ़ा है, ठीक है। तो ये देख लेना एग्जांपल 2, इसे एक टेबल बनाएगा, ये अरेंजमेंट कैसे करेगा, तो ये इसको टैली मार्क के साथ एक टेबल कैसे बनाएगा, हाउ टू अरेंज, है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसका है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कैसे अरेंज करने का है, तो ये टेबल चाहिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल चाहिए। एक टेबल कैसे बनेगा, देखिए यह टेबल कैसे बनेगा, इसको तीन कॉलम होना चाहिए, पहले कौन सा कॉलम होना चाहिए, शू साइज, शू साइज, देन सेकंड वन में इसका आएगा टाली मास, इसको टाली मास डालेगा, ये सर बताएगा कैसे टाली मास कैसे डालने का, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इधर आएगा, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो सबसे छोटा साइज कौन सा है, 4 नंबर से स्टार्ट होता है, 4 से स्टार्ट होता है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, ठीक है, ये इतना मिलेगा, और नीचे एक कॉलम चाहिए आपको, इधर आपको ये कॉलम बनाना है, ठीक है, पहले शू का साइज लिखा एक कॉलम में हमने 4 5 6 7, पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा ऊपर ही लिख देगा, तो इतना सारा एग्जांपल में देख लिया, एग्जांपल 2 में देखो सबसे छोटा नंबर 4 है, तो आप 4 से स्टार्ट कर दिया, 4 का साइज 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये लिख दिया है, और टाइम मास और ये टोटल दे देंगे, तो तीन कॉलम, तो अभी आपको वापस जो टेबल है तो उधर देखने का, इसमें टेबल में जो वहां आपको नंबर आए थे क्या, 4 कौन सा नंबर है, 5 4 5, ये लिख लीजिए, लिखा है इसका टेबल का 5 4 5, देन 4 5 7, 4 5 7, ठीक है, नेक्स्ट 7 6 6, 7 6 6, ऐसे नंबर लिखा होता है 7 6 6, 5 8 7, 5 8 7, देन 6 7 5, 6 7 5, देन 6 6 6, 6 6 6, देन 5 5 4, 5 5 4, then 6 6 8, 6 6 8, then 6 4 7, 6 4 7, और लास्ट में 5 और 6 रह गया है, तो मेरा नीचे रिजल्ट 5 और 6 रह गया है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको टाली मार्क कैसे डालना है वो सार बता रहा हूँ, देखिए पहले कौन सा नंबर है, आप यहाँ से चेंज कर पकड़ो, पहले इधर अब इधर 5, तो ये 5 का कॉलम में आपको एक लाइन करना है, देन 4, तो 4 के कॉलम में एक नंबर डालने का, अगेन 5, 5 एक कॉलम में दूसरा एक डालने का, देन 4, 4 में सेकंड वन आ गया है, अगेन 5, 5 में तीसरा आ गया है, 7, 7 में फर्स्ट वन आ गया है, 7 में सेकंड वन आ गया, 6 में फर्स्ट वन आ गया है, 6 में सेकंड वन आ गया है, अगेन 5 आ गया, तो 5 में फोर्थ वन आ गया, देन 8, 8 में वन आ गया, 7, 7 में थर्ड वन आ गया है, 6 में अगेन थर्ड वन आ गया, 7, 7 में फोर्थ वन आ गया, 5, 5 में देखो 1 2 3 4 हो गया है, तो फिफ्थ वन इधर ऐसे मत डालेगा, फिफ्थ वन आपको ऐसे क्रॉस करना है, ये फर्स्ट में से फोर्थ तक ऐसे क्रॉस कर देगा, देन 6, 6 में फोर्थ वन आ गया, अगेन 6, देखो 1 2 3 4, फिफ्थ वन ऐसे क्रॉस कर देगा, देन 6 अगेन थोड़ा जगह छोड़ कर एक लाइन करने का, 5, देन अगेन जगह छोड़ कर एक लाइन करने का, अगेन 5, वन मोर, देन 4, अगेन, देन 6, वन मोर, अगेन 6, वन मोर लाइन, अगेन 8, वन मोर हियर, अगेन 6, यू पुट वन मोर लाइन हियर, 4, वन मोर लाइन हियर, 7, यू पुट 4 हियर, देन यू पुट 5 हियर, देन 5, here also 1, then 6, you can write here, already 4 in here, then stuck here. So now count it, 1, 2, 4, 2 number, 2, size number 4, 2, 1, 2, 3, 4, so you write here 4, here 5, 5 number ka show me, then to 5 ka block hai, 5 plus 3, 8, 6 number ka 2,
एक दो ये पांच का ये पांच का दस हो गया है और ये हुआ पांच और ये हुआ दो हुआ तो कितना हुआ सेवन टू और ये हुआ थर्टी टू सो टोटल कितना हुआ थर्टी टू हुआ हो गया टोटल कितना हुआ थर्टी सो दिस इज द मेथड टू अरेंजिंग द वैकेंसी टेस्ट सो इट्स योर होमवर्क ओके व्हाट इज योर होमवर्क प्लीज राइट डाउन चैप्टर 9 डेटा हैंडलिंग देन प्लीज राइट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा सो राइट द एग्जांपल टू एक्टा इज हॉस्पिटल इन दैट वन पेज नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन सो क्वेश्चन इज कंपलसरी ये जो साथ में बोर्ड में लिखा है तो आप इधर जो क्वेश्चन दिया है वो आप नोटबुक में लिखने का इसके बाद में पेज नंबर 188 में पेज नंबर 188 ये जो बॉक्स दिया हुआ है वो ये आपको लिखने हैं और इसके साथ में और एक होमवर्क है एक्सरसाइज 9.1 और फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 ठीक है टाली मार्क एक बार फिर से टाली मार्क कैसे डालते हैं हम लोग टाली मार्क कैसे डालते हैं 1 2 3 4 फिफ्थ वन फिफ्थ वन नंबर कैसे नहीं डालेगा और डायरेक्ट नंबर के अंदर आपको नीचे नीचे जा रहे हैं एक फिंगर आपको इधर रखेगा 5 4 क्योंकि अगर आपने फिंगर नहीं रखा तो आपका गलती हो सकता है ठीक है विल मीट यू नेक्स्ट टाइम टिल देन टेक केयर बाय बाय